बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने चैप्टर बुद्ध एंड बुद्धिज्म को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज हम वर्कशीट पढ़ेंगे। वर्कशीट में फर्स्ट है फिलिंग दी ब्लैंक्स। बुद्धा वाज बॉर्न इन डैश। बुद्धा कब पैदा हुआ था? बुद्धा वाज बॉर्न इन 565 BCE। बुद्धा 565 BCE में पैदा हुआ था। नेक्स्ट है हम किंग डैश एंड क्वीन डैश वर बुद्धाज पेरेंट। बादशाह सिद्धुदाना एंड क्वीन माया वर बुद्धाज पेरेंट्स। सिद्धार्थ वाज द प्रिंस ऑफ। सिद्धार्थ कहाँ का बादशाह था? सिद्धार्थ वाज द प्रिंस ऑफ अ किंगडम इन नेपाल। नेपाल का एक छोटा इलाका जो था वहाँ का प्रिंस था। नेक्स्ट है सिद्धार्थ रियलाइज डैट ह्यूमन सफर बिकॉज ऑफ देयर। सिद्धार्थ ने क्या फाइंड आउट किया था कि इंसान क्यों सफ़र करते हैं? सिद्धार्थ रियलाइज डैट ह्यूमन सफर बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड। इंसान अपने लालच की वजह से सफ़र करता है। नेक्स्ट है बुधा डाइड इन डैश। बुधा डाइड इन डाइड इन 485 485 BCE में बुधा डाइड हुआ था। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज समसारा मीन्स। समसारा का क्या मतलब है? डेथ, रीबर्थ और पॉपुलरिटी। समसारा मीन्स रीबर्थ, यानी कि दोबारा से मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी मिलती है, उसे हम समसारा बोलते हैं। गुड एक्शंस डैट सपोर्ट यूनिवर्सल लॉ आर कॉल्ड। ऐसे अच्छे अमाल जो यूनिवर्सल के लॉ को सपोर्ट करते हैं हम क्या कहते हैं? निर्वाणा, धर्मा, मोक्षा। तो गुड एक्शन डैट सपोर्ट यूनिवर्सल आर कॉल्ड धर्मा। नेक्स्ट है द वर्ड बुद्धा मीन्स। बुद्धा वर्ड का क्या मतलब है? द इनलाइटेड वन, द ग्रेट वन, द पीसफुल वन। तो आंसर है बुद्धा मीन्स द इनलाइटेड वन, यानी कि किसी एक रहनुमाई करने वाले को हम बुद्धा कहते हैं। वन ऑफ द रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज़्म वाज, कि बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अनपॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धा, पॉपुलैरिटी ऑफ हिंदुज़म, अनपॉपुलैरिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। यानी कि इन तीनों में से कौन सी रीज़न थी जो कि बुद्धिज़्म की पॉपुलैरिटी की वजह बना था? इसका आंसर है अनपॉपुलैरिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। लोग कास्ट सिस्टम की वजह से इतने पॉपुलर फेमस नहीं थे, उसी तरह के बारे में कास्ट के बारे में नहीं जानते थे, जिसकी जो वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया और वो फिर यही वजह जो थी वो बुद्धिज़्म के मशहूर होने की वजह बनी। नेक्स्ट है विच कंट्रीज़ हैव बीन द मेन सेंटर्स फॉर बुद्धिज़्म इन एंशियंट एंड प्रेजेंट टाइम, कि वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि बुद्धिज़्म के एंशियंट के माजी में और आज के दौर में उसके मेन सेंटर्स हैं? इसका आंसर है जापान, चाइना, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत एंड थाईलैंड। ये वो सिटीज़ हैं जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं। व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट एट सिद्धार्थ बर्थ, कि सिद्धार्थ की जब पैदाइश हुई थी तो एस्ट्रोलॉजर नजूमी ने क्या प्रिडिक्शन की थी, क्या उसने पेशींगोई की थी? डैट ही वुड बिकम आइदर अ ग्रेट लीडर और अ होली मैन। तो एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट किया था कि वो यहाँ तो बहुत ही बड़ा लीडर बनेगा या फिर होली मैन। वाई डिड किंग सिद्धुदाना फेयर दिस प्रेडिक्शन, कि जब सिद्धुदाना प्रिंस के फादर ने ये प्रेडिक्शन सुनी कि वो होली मैन बनेगा तो वो क्यों खौफजदा हो गया था? ही डिड नॉट वॉन्टिड हिज सन टू बिकम अ होली मैन। वो इसलिए खौफजदा हो गया था कि वो अपने जो बेटा था उसे होली मैन नहीं बनाना चाहता था। नेक्स्ट है व्हाट मेजर्स डिड ही टेक टू प्रोटेक्ट सिद्धार्थ, के सिद्धार्थ के फादर ने कौन से इकदाम किए थे उसे तहफ़ फ्राहम करने के लिए कि वो होली मैन ना बने लेकिन एक ग्रेट लीडर बने? तो इसके लिए उसने कौन कौन से इकदाम किए थे? फर्स्ट पे आता है ही डिड नॉट लेट हिम आउट ऑफ द पैलेस ग्राउंड, यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया था कि सिद्धार्थ को हाल का जो महल था उसका उससे बाहर आने की इजाज़त नहीं दी थी, उसे बिल्कुल इजाज़त नहीं कि वो अपने कमरे या हाल महल से बाहर आ सके। सेकंड पे प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ लग्जरीज मटेरियल्स एंड हैप्पीनेस। सेकंड पे सिद्धार्थ के फादर ने उसे हर तरह के सहूलियात लग्जरीज और खुशी के जितनी भी सहूलियत जितनी भी खुश रहने के लिए जितनी भी अशिया थी वो उसे महल में प्रोवाइड कर दी थी। एंड डिड नॉट लेट हिम सी एनी सफरिंग, और उसे किसी भी तरह की मुसीबत या मुश्किल का सामना ना करने दिया, कि उसे उतने ये तीनों इकदाम थी जो उसके सिद्धार्थ के फादर ने की थी कि वो होली मैन ना बने, उसे महल से बाहर रहने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी और उसे हर तरह की सहूलियत महल के अंदर ही प्रोवाइड की जाती और उसे किसी भी तरह की सफरिंग का सामना ना करने दिया। नेक्स्ट है फाइंड 10 वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द एक्सरसाइज,
बिलो यू मे फाइंड मोर देन वन वर्ड इन अ लाइन वर्ड सर्च। आपने जो अभी जो लाइन्स है इनमें से वन वर्ड या वन वर्ड से ज़्यादा वर्ड भी आपने इसको यहाँ से फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट लाइन में वर्ड है कार्मा, सेकेंड में प्रोफाउंड, थर्ड पे मेडिटेशन, फोर्थ पे एनकाउंटर, फिफ्थ पे धर्मा, सिक्स पे दो वर्ड्स हैं निर्वाणा और बुधा, लास्ट पे आपके हैं बुद्धि, सदुधाना और माया। ये तीन वर्ड आपके लास्ट लाइन में बनते हैं। नेक्स्ट आ जाती है डायरी। वर्कशीट को आपने इस तरह से याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।